अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट एंड क्लासेस डेली बेसिस पर चल रही है और तकरीबन हम अपने 6 चैप्टर जो है वो शॉर्ट एंड राइटिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके अंदर जो जो भी चीज़ें हमने बहुत सारी एक्सरसाइज भी तकरीबन कर ली हैं और फुल डिटेल्स के साथ हमने ये सारा काम कर लिया है। और आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नी चैप्टर नंबर 6। प्रीवियस जो है हमने वो जो एक्सरसाइज के चैप्टर्स वगैरह किए हैं उनके अंदर हम फुल डिटेल के साथ वोवल्स वगैरह एक्सरसाइज फुल डिक्टेशन के साथ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह हमने फुल डिटेल के साथ हर चीज़ कर ली है जो कि हम पिटमैन शॉर्टर की बुक से कर रहे हैं। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अब डिप्थोंग के बारे में। बेसिकली डिप्थोंग जो होते हैं वो 4 डिप्थोंग होते हैं। फर्स्ट होता है आई का, दूसरा होता है ओ आई, आई ओ आई, और थर्ड होता है आउ एंड जू। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड जो होता है यानी आई और आई का डिप्थोंग जो होता है वो फर्स्ट प्लेस पर बनता है यानी लाइन से ऊपर, आई ओ आई का, ठीक है। और जो आओ ओ डब्ल्यू आओ और यू का जो डिप्थोंग होता है वो थर्ड प्लेस पर बनता है। हाइएन की पिटमैन शॉर्टर की बुक से हम सारा काम हुआ। आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पर डिप्थोंग को हम करेंगे। आइए देखिए, ये काम मैंने ऑलरेडी करके रखा है कि फर्स्ट प्लेस का जो वोवेल होता है आई का, देखें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस का पहला वोवेल होता है वो था आई का। आई का जो ट्रिक होगा ना, आपको याद रखना है कि आई का जो ट्रिक होगा वो फर्स्ट प्लेस पर तो होगा लेकिन वो इस तरीके से बनेगा, फर्स्ट प्लेस पर लाइन से ऊपर। अब जैसे मिसाल आती है, बाइट आता है, बाइट तो बी बनाया हमने, बाई फिर टी बना दिया, अब क्या आ गया, आई, आई का वोवेल आ गया, डिप्थोंग आ गया, सॉरी डिप्थोंग कहते हैं इनको ना। तो फर्स्ट प्लेस पर हमने बनाया आई यानी देखा लाइन से ऊपर, तो यहाँ पे हमने आई का डिप्थोंग लगा दिया, ठीक है। अब जैसे टाइम आता है, टाइम अपने टाइम का फर्स्ट प्लेस पर लगेगा, टी बनाया फिर एम बना दिया, फिर आई का हमने डिप्थोंग लगा दिया। अब जैसे फाइल, एफ बनाया फर्स्ट प्लेस यानी लाइन से ऊपर बनाया, फाइल एफ एल फाइल, ठीक है। अब जैसे देखें, फर्स्ट प्लेस का पहला वो मिलता है आई का, ठीक है, डिप्थोंग कहते हैं इनको, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे डिप्थोंग, ठीक है, डिप्थोंग आई, बाइट टाइम फाइल। अब देखिए सेकंड प्लेस का जो वो फिर होता है, सेकंड होता है ओ आई का, ओ एन आई, फर्स्ट हो गया आई, सेकंड इज ओ आई, आई ओ आई, ये भी फर्स्ट प्लेस पर बनता है। ऊपर वाले का टिक जो था वो स्ट्रेट था, ये देखें ऐसे, और इसका जो होता है वो लेफ्ट साइड पर जाता है, देखें आई ओ आई, सेकंड वो फिर और सेकंड डिप्थोंग ओ आई, आई ओ आई, ठीक है। अब जैसे बॉय, बो आई, ओ आई, ओ आई का साउंड आ रहा है इसमें भी, तो बी बनाया, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, डिप्थोंग लगा दिया, ओ आई बॉय, ठीक है, बॉयल बॉय एल, ये आ गया ओ आई। अब जैसे टॉय, टी बनाया टो आई, ठीक है, ये सेकंड डिप्थोंग हो गया, फर्स्ट देन सेकंड देन, दोनों ही फर्स्ट प्लेस पर बनेगा। थर्ड जो है ओ आई, आउ, ओ डब्ल्यू आउ होता है। अच्छा, ये आउ जो होता है वो लाइन पर बनता है, थर्ड प्लेस पर होता है, सॉरी थर्ड प्लेस पर होता है आउ, फर्स्ट प्लेस जो आई था वो ऐसे था ओ आई, अब आउ की जो निशानी होती है वो इस तरीके से देखें ओ आई। अब जैसे ये थर्ड प्लेस पर बनेगा, ठीक है, ओ आई। अब यहाँ देखें जैसे लाउड, आउ, आउ का वो ला रहा इसमें, आउ एल बनाया थर्ड प्लेस पर, देखें लाइन से नीचे लाउड डी आ गया, लाउड। अब जैसे फाउल,
FL फाउल। याद रखिए ये जो ओविल होगा ये लास्ट में लगेगा, जैसे फर्स्ट प्लेस का था तो शुरू में लग रहा था, यानी जहाँ पे आपका वर्ड ख़त्म हो रहा था, लेकिन ये जो होगा वो जहाँ पे वर्ड ख़त्म होगा उसे लास्ट में लगेगा, फाउल फाउल फाउल। अब जैसे ठीक है, याद रखिएगा ये आई ओ आई आओ एन जू, यू का देखने फॉर डिप्थोंग यू का होता है यू, ये सिंपल छोटा सा यू उल्टा यू बना दिया समझे इसको हमने ना, ये यू होता है आओ एन यू यू। थर्ड प्लेस पर बनता है ये भी यू का वोवेल, ठीक है फोर्थ होता है। अब जैसे ड्यू ड्यू डी यू ई ड्यू होता है, फिर हमने डी बनाया आगे यू लगा दिया ड्यू, देख रहे हैं ड्यू ड्यू पी बना दिया ड्यू ड्यू। लेकिन ये बनेगा नेक्स्ट वोवेल जो आपका मिलाएंगे, यानी जो यहाँ पे आप वर्ड ख़त्म करेंगे उसके एंड पर लगेगा यहाँ पे। अगर वोवेल से पहले तो जैसे यहाँ पे देखें वोवेल से पहले डी यू पी से पहले था यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डी यू यानी डी के बाद था तो यहाँ पर आ गया। देखें क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल डिप्थोंग जो है वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको मालूम करना है वो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस का पहला वोवेल हो गया आएगा, सेकंड प्लेस का ओ आएगा, थर्ड प्लेस का तीसरा हो गया आउ का थर्ड प्लेस पर बनेगा, और फोर्थ वन इज़ यू का हो गया। देखिए आपको समझ में आ गया, आएगा आएगा देन सेकंड वोवेल ओ आएगा यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, और थर्ड वन इज़ आउ ओ डब्ल्यू आउ का, ठीक है एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और कंप्लीट कर दिया है, और फोर्थ इज यू का यू का। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि फ्री में शॉर्टिंग क्लासेस लोग ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।